बैक टू दीपिका की रेसिपीज़। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, नान खटाई बिस्किट की रेसिपी। लेकिन आज हम नान खटाई बनाएंगे बिना मैदा के, बिना ओवन, और इसे एगलेस हम बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें मैंने हाफ कटोरी घी और बटर, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी लिया है और मैं सारा मेज़रमेंट आज कटोरी से ही करूँगी ताकि आपको भी इजी हो जाए, क्योंकि हर किसी के पास मेज़रिंग कप अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो जो घी है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, जमा हुआ या बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में आपको घी या बटर नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम शुगर पाउडर लिया है, थोड़ा मीठा कम रखूँगी मैं। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप एक फुल कटोरी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और इसको मैंने छान के लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गांठें पड़ गई थी, तो इसको मैं छान लिया। और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे जब तक इसका कलर, अभी जो हमें येलो सा दिख रहा है ये थोड़ा वाइटिश हो जाएगा और ये फ्लफ़ी हो जाएगा एकदम से। तो इस बैटर को आपको ढंग से बनाना है, इसी पे आपकी जो नान खटाई है वो डिपेंड करती है कि कैसी बनेगी। तो अच्छे से हमें इसे बीट करना है, कम से कम 7 से 10 मिनट तक आपको इसे बीट करना है। और यहाँ पे जो घी और शुगर का मिक्सचर है वो अच्छे से बीट हो गया है और इसमें देखिए थोड़ा सा वाइटिश कलर का हो गया है। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो मिक्सचर है वो रेडी है या नहीं, तो सीधा एक कटोरी में ले लीजिए पानी और उसमें डालिए थोड़ा सा मिक्सचर। अगर ये नीचे डुबकी नहीं लगाएगा तो यानी आपका बैटर बन के तैयार है। अब आप इसमें अपने जो भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो डाल सकते हैं। तो क्योंकि हम बना रहे हैं आटे की नान खटाई, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा ले लिया है और एक कटोरी आटा लिया है तो इसका आधा हम ले लेंगे बेसन। और ये वही आटा है जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे जैसे बेसन और आटे का मेज़रमेंट ऐसे रहेगा कि अगर आप एक कटोरी में आटा ले रहे हो तो आधा कटोरी आपको बेसन लेना है और आधा कटोरी बेसन का आधा आपने सूजी यहाँ पर लेनी है। तो अभी मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है और एक पिंच मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है मीठे को बैलेंस करने के लिए। इसको हम छान लेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं सूजी मिला दूँगी। सूजी को मैंने थोड़ा सा मिक्सर में चला के पतला कर लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं इलायची पाउडर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में ही यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो। तब आप इलायची पाउडर जो है हाफ टी स्पून डालना है। तो बस इसी तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम डो की फॉर्म में लेके आएंगे। इसे हमें गूंदना नहीं है आटे की तरह, बस इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें डो बना लेना है इस तरह से। क्योंकि घी और शुगर को बीट करके हमने जो हवा बनाई है उसमें, उसको हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से हमारी नान खटाई जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आज हम नान खटाई इडली स्टैंड में बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इडली स्टैंड लिया और इसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे ना कि डो के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप मेज़र के लिए एक इस तरह से स्पून ले सकते हो ताकि सारे जो बिस्किट हैं एक बराबर इक्वल बने। और यहाँ देखिए पहले इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आपके डो का। तो अब हम मेज़र करके बिस्किट बना लेंगे और ज़्यादा आपको इसे दबाना नहीं है, इसे अच्छे से लड्डू की तरह हम गोल कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा इसे हम प्रेस करेंगे क्योंकि नान खटाई जो है वो फैलेगी बाद में। तो इस तरह से हम रखें बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, बहुत प्रेस नहीं करना है। इसी तरह से हम एक स्पून की हेल्प से इक्वल शेप में सारे नान खटाई बना के तैयार कर लेंगे। मैं कुकर में इसे बेक करूँगी क्योंकि कढ़ाई में क्या है ना, हीट ऊपर नीचे होती रहती है, फिर बिगड़ जाती हैं बिस्किट या जो भी आप बेक कर रहे हो। तो कुकर में प्रॉपर लिड बंद रहता है तो उसे अच्छे से बेक हो जाता है और वो प्रॉपर ओवन का ही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट बना के तैयार कर लिए थे, अब इसे मैं कोट कर लूँगी। ये बिल्कुल ठंडा दूध है फ्रिज में से,
इसे मैं अच्छे से कोट कर लूँगी सारे बिस्किट को। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता और थोड़े से बादाम, इसको भी मैं गार्निश कर दूँगी बिस्किट को अच्छे से। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबाना है, नहीं तो बिस्किट जो है वो टूट जाएगा। तो बहुत ही हल्के हाथों से दबा के इसे हम गार्निश कर देंगे बिस्किट की। आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, काजू बादाम जो भी आपको अच्छा। और फिर से मैं इसे कोट कर रही हूँ दूध से, ताकि ये इससे क्या होगा कि जो आपने गार्निश किया वो अच्छे से चिपक जाएगी बिस्किट के साथ और ये निकलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया है, इसको हम बंद कर देंगे और अब हम इसे रखेंगे 20 मिनट तक फ्रिज में। तो फ्रिज में क्यों रखना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैं पहले यहाँ पर देखिए कुकर मैंने रख लिया है और ये मैंने यहाँ इसमें डाला है नमक, जो यूजुअली मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। नमक से क्या है, हीट जो है वो बैलेंस रहती है। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब मैं जो है नान खटाई को इसमें डाल दूँगी। आपको भी 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट ज़रूर से करना है। ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने से पहले कुकर की सीटी और इसका जो रबड़ है वो निकालना ना भूलें। तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे ऑन लो फ्लेम। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए कितनी परफेक्ट नान खटाई बनके रेडी हुई है। बहुत अच्छे इसमें क्रैक्स आए हैं और इसे मैं निकाल लूँगी। और जो मिडल वाला पोर्शन था ना, मिडल वाली जो प्लेट थी, पहले मैंने उसमें भी नान खटाई रखी थी, लेकिन वो क्या ना ऊपर वाले प्लेट के साथ टच हो रही थी, फिर मैंने वो निकाल दी। तो मैंने बीच वाली प्लेट बिल्कुल खाली रखी थी और देखिए नीचे वाली जो नान खटाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और बिल्कुल भी जली नहीं है, एकदम से बढ़िया ये बन के तैयार हुई है। और पता भी नहीं चल रहा है कि ये आटे की नान खटाई है। तो इसी तरह से जो मेरी बाकी की रिमेनिंग बिस्किट्स हैं मैं उन्हें भी बेक कर लूँगी। तो अब मैं बताती हूँ कि फ्रिज में आपने इसे क्यों रखना है। फ्रिज में हमने इसे इसलिए रखना है क्योंकि इसको जब हमने बिस्किट्स बनाए थे तो इस थोड़ी हमारे हीट से ना, हाथों की हीट से ये डो जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा। तो फ्रिज में रखने से ना ये इसमें जो क्रैक्स हैं बहुत ही अच्छे आते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होती है और ज़्यादा जो है वो फैलती नहीं है। तो आपने डो को नहीं रखना है फ्रिज में, बिस्किट बनाने के बाद गार्निश करने के बाद ही आपको फ्रिज में रखना है। तो देखिए कितनी परफेक्ट नान खटाई बनके तैयार हुई है। तो होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।